आज यहाँ पे अलंद की खवातीन या अलंद के वुमेंस का आके बैठना ये सबूत है कि वो धरने में इसलिए शामिल हुए कि उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक पहुँचे और उन्हें इंसाफ मिले। ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग केस डाले हैं, वो उस गुनाह में शामिल ही नहीं है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमारा देश का संविधान ये कहता है 100 गुनहगार छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन एक ना गुना उसमें फंसना नहीं चाहिए। जानबूझकर पुलिस वाले अपने आप को सेफ रखने के लिए हम इतने लोगों को अरेस्ट किए, ये बताने के लिए उन लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी उतने गुनहगार नहीं है। घरों तक पुलिस का जाना, राउंडिंग करना, जिस तरीके से एक हरासमेंट करने का या थ्रेटन करने का जो तरीका चला है, ये रुकना है। जो सेक्शन 144 तोड़ा गया था, हेट स्पीचेस दिए गए, प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए गए थे, जो बीजेपी MLAs MPs जो थे उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture and by SR Continental Hotel. हम सबको पता है कि अलंद में क्या हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है मसले के बाद, तो उसी का इसमें जो है सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस, जैसे हमने प्रेस मीट करके अनाउंस किया था, जिसमें मल्टीपल दलित ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर वर्कर्स, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज और कर्नाटका प्रोग्रेसिव फोरम और NGOs, ये जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो ये जस्टिस फॉर पीपल ऑफ अलंद जो एक धरना स्टार्ट लिए हैं। टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ धरना। आज अलंद की माँ बहनों ने, खवातीनों ने बड़ी तादाद में इस धरने में शिरकत कर अपने हक की आवाज़ को बुलंद किया। ये वही लोग हैं जिन पर पुलिस के काफ़ी सारे जुल्म हुए हैं, कि हमारे जो डिमांड्स हैं इस धरने से, जो आज भी आर्बिट्री अरेस्ट किए जा रहे हैं, जो घरों तक पुलिस का जाना, राउंडिंग करना, जिस तरीके से एक हरासमेंट करने का या थ्रेटन करने का जो तरीका चला है, ये रुकना है। सेकंड, हम जो कंपनसेशन की बात किए थे, जो इंजर्ड हैं, जो डेथ हुए हैं पैनिक अटैक्स वगैरह से पुलिस रेड में, और जो प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया है पुलिस की तरफ से, ये इसका कंपनसेशन देना चाहिए। और जो खौफ का माहौल आज भी है वहाँ पे लोग आज भी अलंद जाना नहीं चाह रहे हैं। काफ़ी सारे यूथ्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अलंद नहीं जाकर, वो अलंद से दूर मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं या मुख्तलिफ इलाक़ों में अलंद के बाहर रह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे पुलिस का जिस तरीके से रवैया, जो तरीक़ेकार अमल काम किए हैं, वो इतना खौफज़दा काम किए हैं, इतना खौफ पैदा करने वाला काम है कि पुलिस पे से आवाम को भरोसा उठ चुका है। वहाँ पे मासूमों को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी जवेनाइल भी थे, जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये दहशत का माहौल जो पैदा किया गया है पुलिस के साइड से, ये माहौल ख़ुद एक वहाँ पे पीस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। पुलिस यहाँ पे आवाम का कॉन्फिडेंस जीतने में नाकाम है, आवाम का भरोसा जीतने में नाकाम है, या ये जानबूझ के नाकामी है, या इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का रीज़न है कि इसमें ये नाकाम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को खुद सोचना है। हमारी जो और डिमांड्स हैं, जो सेक्शन 144 तोड़ा गया था, हेट स्पीचेस दिए गए, प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए गए थे, जो बीजेपी MLAs MPs जो थे उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। और साथ में हमारा जो डिमांड है, सिटिंग हाई कोर्ट जज से इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट एविडेंसेस मौजूद है कि जो ग्राउंड पे पुलिस एक्शन हुआ है, इट इज़ प्योरली बायस्ड एंड एंटी माइनॉरिटीज़। भले जो टॉप ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास जो रिपोर्टिंग आ रही है, वो रिपोर्टिंग बेस वो लोग बात कर रहे हैं, दे आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, दे आर टोटली फैक्चुअली इनकरेक्ट, बिकॉज जो ज़मीन पे पुलिस काम किए है, उन्होंने अपने आप को महात्मा बताने का काम करके जो रिपोर्टिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिसर्स बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिसर्स को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। आज यहाँ पे अलंद की खवातीन या अलंद के वुमेंस का आके बैठना ये सबूत है
आगे वो धरने में इसलिए शामिल हुए कि उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक पहुँचे और उन्हें इंसाफ मिले। तो मेरे यही चंद बातें हैं, मैं आगाह कर रहा हूँ सियासतदानों को कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, ये वक्त इंसानियत का है, ये वक्त सेकुलरिज्म को बचाने का है, ये वक्त इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। हमारे साथ में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका, जमयत उलमा हिंद कर्नाटका, APCR कर्नाटका, ये पूरे तंजीमें हम बेंगलुरु से आए हैं। अभी तक आलंद के मसले पर हिदायत सेंटर में एक मीटिंग हमारी हुई, हमने वहाँ सोचा कि जो हमारे बच्चे, हमारी बहनें जिनको अरेस्ट किया गया है उसके सिलसिले में हमने अभी तक बैठकर गौर किया, उसमें वकील हजरात भी थे। अब हम आलंद जा रहे हैं, वहाँ जा कर के वहाँ के हालात को भी हम देखेंगे। आलंद का जो वाक़या हुआ है ये एक तरह का जुल्म है, ये BJP सरकार की तरफ से जुल्म है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सरकार का काम ये है कि वो इंसाफ से काम ले, सरकार का काम ये है कि इंसानों की मदद करे, सरकार का काम ये है कि वो शांति सौहार्द को बाकी रखे और सरकार का काम ये है कि वो इंसाफ की बात करे। लेकिन आलंद का जो घटना हुआ है इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है, ऐसी सरकार हुकूमत में उसे रहने का हक नहीं रहता है। हमें मालूम है कि 160 से ज़्यादा वहाँ के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उसमें हमारे बहनें भी हैं और इस पर हमें बहुत दुख है। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार अपना रोल अदा करे, अपना किरदार को अदा करे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। पुलिस इंसाफ से काम लेना चाहिए। पुलिस का काम ये था कि 144 कलम रहने के बावजूद उन्होंने बाकायदा रैली निकाला है और वो रैली की वजह से, वहाँ जाने की वजह से सब इस तरह का वातावरण पैदा हुआ है। पुलिस का काम ये था कि जो लोग 144 की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उसके बदले में ये कहा गया, इल्ज़ाम लगा दिया गया कि बच्चे पत्थर फेंके हैं, और ज़ाहिर बात है कि ये इल्ज़ाम है हम पर, और इल्ज़ाम लगा करके हमारे अपने बच्चों को गिरफ़्तार किए हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग केस डाले हैं, वो उस गुनाह में शामिल ही नहीं है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमारा देश का संविधान ये कहता है 100 गुनहगार छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन एक ना गुनाह उसमें फंसना नहीं चाहिए। जानबूझकर पुलिस वाले अपने आप को सेफ रखने के लिए हम इतने लोगों को अरेस्ट किए, ये बताने के लिए उन लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी उतने गुनहगार नहीं है। पुलिस जो आगे हमला करी, नहीं कर्फ्यू लगे हुई थी, कर्फ्यू में तो आ नहीं सकते, मगर फिर भी उन्होंने आए, आके हमारे पूरे बच्चे आदमियाँ सब सोए हुए थे, नहीं सोए तो उनको मार मार के उठा के बिस्तर में से ले गए, उनको ख्याल भी नहीं कि पुलिस होंगी बोल के, ऐसा तो अंदर पूरा बिस्तर तक ऐसा दरवाजे ठोक के बाहर लेके गए उनको। तो पुलिस आ रही बताओ, हम दरवाजे बंद कर लिए, अंदर दरवाजा बंद करे तो दरवाजे ठोक ठोक कर उसके कोंडे तोड़ को लेके गए और औरतों के बाल पकड़ को खींच को ले गए बच्ची के, और आँख एक औरत को आँख बुला को लेकर जा रहे थे, एक जने को वहाँ बेतुका बच्चों को मार रहे थे, नहीं और घर में अलग मार रहे थे, रास्ते से अलग मार रहे थे, बच्चों को रास्तों में मार रहे थे, बहुत तकलीफ दे रहे थे, बहुत डरा रहे थे सब, हाँ जुल्म औरतों को लेकर जा रहे थे, मरीज बीमार आदमियों को पकड़ पकड़ को लेकर जा रहे थे, बहुत तकलीफ दे रहे थे हमारे को। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर एंड बाय SR कॉन्टिनेंटल होटल।